तुम हो कौन शिवा? कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की। कुछ चल रहा है इस दुनिया में ईशा, कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। अब खेल शुरू। क्या लाल सिंह चड्ढा के बाद अब ब्रह्मास्त्र को किया जा रहा है बॉयकॉट? क्या छह कारण है जिस वजह से इस फिल्म को किया जा रहा है ट्रोल? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, अगले महीने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है, जिसे 9 सितंबर को रिलीज किया जाना है। भले ही फिल्म रिलीज होने में अभी काफी टाइम है, लेकिन फिल्म मेकर करण जौहर, अयान मुखर्जी और फिल्म की पूरी टीम की रातों की नींद उड़ चुकी है। इसकी दो वजह है। पहला, सुपरस्टार आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा का बुरी तरह से फ्लॉप होना, और दूसरा, सोशल मीडिया पर अब बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड होने लगा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह के रीजंस दे रहे हैं इस फिल्म को बॉयकॉट करने के। तो चलिए आपको बताते हैं वो छह रीजंस जिसकी वजह से फिल्म को किया जा रहा है बॉयकॉट। पहला, इस फिल्म को फिल्म मेकर करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया के जाने के बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स ने करण को बुरी तरह से ट्रोल किया था। तभी से उनकी सभी फिल्मों का विरोध किया जा रहा है। इन दिनों वायरल हो रही कुछ पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र के मेकर्स की पहली पसंद सुशांत सिंह राजपूत थे, क्योंकि करण ने प्रेशर डाला, इस वजह से सुशांत को फिल्म से बाहर कर दिया गया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें ब्रह्मास्त्र में अमिताभ बच्चन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यूजर्स ने उन्हें भी बॉयकॉट करने की बात की है। उन्होंने ट्रोल करते हुए कहा कि केबीसी में जिस तरह से अमिताभ ने एक महिला के घूंघट पर सवाल किया, लेकिन वो कभी मुस्लिम औरतों के हिजाब पर नहीं बोले, इस वजह से बॉयकॉट किया जा रहा है। तीसरा, कुछ वायरल पोस्ट में आमिर खान की फिल्म पीके में रणबीर कपूर के कैमियो की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उसमें रणबीर के गालों पर भगवान जी के स्टिकर्स हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये हिंदू धर्म का अपमान है और इस फिल्म को बॉयकॉट करो। वहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं जिनमें 2019 में करण जौहर के घर के सामने एक ड्रग पार्टी देकर बॉयकॉट किए जाने की मांग की जा रही है कि वहाँ पर ड्रग पार्टी हो रही थी, और ये जोरों शोरों से ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, रणबीर और आलिया स्टार किड्स हैं, इस वजह से भी कई यूजर्स कह रहे हैं कि इसे बॉयकॉट करो। वहीं फिल्म के ट्रेलर के एक सीन में रणबीर मंदिर में जूते पहनकर घंटी बजाते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है रणबीर कपूर को। साथ ही मांग उठ रही है कि भाई इस फिल्म को तो बॉयकॉट किया जाए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपको इंतज़ार है ब्रह्मास्त्र का? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।